मैंने उसका दरवाजा ट्रायल रूम का खोला तो किसी ने दरवाजे को अंदर से पकड़ के जोर से दम गुस्से में बंद किया। अस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज होती है ये इनके खाने की चीज होती है। वेलकम टू शेयर पूछो। और इस वीक की हम लास्ट स्टोरी करने जा रहे हैं। बहुत गर्म माहौल होने लगा है इसलिए हम एक तो हम ऑलरेडी गर्म मतलब दिमागी तौर पे और ऊपर से माहौल भी गर्म, पसीना पसीना पूरा हो जाते हैं हम लोग। तो इंशाल्लाह ताला बीसी खुलेगी तो फिर हम लोग ये लगवाएंगे। वैसे तुमने जानबूझ के किया ना मेरे साथ? मैंने कहा हो सकता है डॉक्टर को रहम आ जाए, बोला चल यार मैं इसी लगवा देता हूँ यार। फिर मैं बोलूँगा ए सी भी लगवा दी, बिल भी भर दी, सब कर दूँ। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हमारे स्टोरीज को एंजॉय कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और कमेंट्स आपके जो भी इस दफ़े आए हैं हमारे रिक्वेस्ट करने के बाद, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आना शुरू हो गए हैं, थैंक यू वेरी मच। साथ ही साथ एक और चीज़ कि प्लीज़ जितना हो सके चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमारे स्टोरीज को मतलब जो लिंक है उस लिंक को आगे शेयर कीजिए, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टा पर, व्हाट्सएप पर, सब पर शेयर करें और जितना हो सके हमें सब्सक्राइबर्स ला कर दें। और इन स्टोरीज को सिर्फ स्टोरी की हद तक सुने, इसको दिमाग में लेने की जरूरत नहीं है। जिस तरह मूवी देख रहे होते हैं इसी तरीके से मूवी की तरह सुनिए, इंजॉय करें यार। मैं और स्टोरी टेलर्स की तरह जो है ना वो सच्चे किस्से नहीं सुनाता लोगों के इधर उधर से लेके, मैं जो भी होता है वो सुनाता हूँ आपको। आपका दिल करे यकीन करो, दिल करे ना करो भाई यकीन कर भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी सुन रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। बस सुनो, मजे से सुनो, मजा लो। क्या पता डॉक्टर काशिफ कल होना हो, कल होना हो, फिल्म देख ली डॉक्टर साहब ने। वेल डॉक्टर साहब क्या सुनाने जा रहे हैं आज? मजे का किस्सा है। याद है मुझे इंस्टा पर किसी ने कॉन्टेक्ट किया था, जो मुझे फिर एक जगह बताई गई थी वहाँ बुलाया था और कहा था कि तुम जाओ और पलट के नहीं देखना। क्या था वो किस्सा? एक बंदा था, उसने कहा था कि मेरी बहन के साथ कोई इशू है तो हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने मुझे एक जगह बताई थी। ठीक है। और जब वो उसका भाई तो था नहीं, वो खुद मौजूद थी, एक वीराने में उतरी थी, ये हमारी एक स्टोरी है। अच्छा ओके। खैर तो उसके बाद ना मैं, अगर कोई मुझे कमेंट करता है या कोई मैसेज करता है इंस्टा पर या इस तरह से, तो ऐसे मेरे साथ एक दो सीन हो चुके हैं, तो मैं अब सबको ना उसी नज़र से देख रहा होता हूँ कि पूछता हूँ भाई हेलो इंसान ही हो तो अगर इंसानों वाला रिप्लाई आता है तो ठीक है। जैसे अभी आप लोग स्टोरी देख रहे हैं, आपको मेरा शेडो नज़र आ रहा है लेकिन आपको डॉक्टर काशिफ का शीशे में शेडो नज़र नहीं आ रहा। ये मैंने खुद ने, एक दोस्त ने कमेंट करके बोला था कि आप देखें शीशे में शेडो काशिफ का नहीं। अभी आ रहा है, एक मिनट थोड़ा सा पीछे। अब आया शेडो। तो मकसद के शेडो है, ये है। क्या है कि इन दोनों लाइट्स के बीच में थोड़ा सा गैप है, तो डॉक्टर साहब का शेडो उस पर दब रहा है, इसको प्लीज इग्नोर करें। मेरा शेडो है यार, मैं कोई आसमान से उतरी हुई कोई तीसरी मखलूक नहीं हूँ। अच्छा ओके, फिर स्टोरी बताते हैं और जल्दी चलते हैं कि आज हमें एक और काम निपटाना है। अच्छा फिर क्या हुआ कि जी उसके बाद मेरे दिमाग में एक चीज़ बैठ गई कि यार ये चीज़ें कहीं ना कहीं से आती जाती हैं। खैर मैं कुछ शर्ट्स वर्ट्स लेने के लिए एक शॉप में घुसा और वहाँ पर वो जो कस्टमर केयर के जो बंदे खड़े हुए होते हैं उनमें लड़कियाँ भी होती हैं और मर्द भी होते हैं, तो मुझे एक बंदे ने एंटरटेन किया, बोला आप सर क्या चाहिए ये वो। मैंने उनको बताया मुझे इस तरह की शर्ट चाहिए, तो वो एंटरटेन किस तरह किया मतलब क्या? मतलब मुझे ले गया, अपने साथ चीज़ें दिखाई, तो और कैसे एंटरटेन करेगा यार आशी कमा। अच्छा फिर हाँ, तो उसने जो है वो अभी वो वहाँ से बातें ना शुरू हो जाएंगी कि आशी डिस्टर्ब बहुत करता है गाने में। अभी एक सवाल है यार, ये कैसा सवाल है यार? मैं शर्ट लेने गया हूँ, उसने एंटरटेन किया मतलब मुझे लेके गया कि देखो वो मुझे डांस करके दिखाएगा यार। अच्छा फिर भाई मैं शॉप पर गया था, ठीक है,
उसने आपको एंटरटेन कर लिया, आप खुश हो गए जी। अच्छा, फिर वापस आए। अच्छा, फिर क्या लिया तुमने? खैर, तो उसने मुझे अपने हिसाब से शर्ट्स दिखाई। मैंने शर्ट वर्ट देखी, शायद मैंने ये किस्सा काफ़ी अर्सा पहले बताया हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने बताया है। उसने मुझे शर्ट वर्ट दी, उसने मुझे कहा कि सर ये आप जो है ना ऊपर ट्रायल रूम है, वहाँ आप जाके इसको ट्राई करें। अच्छा, ट्रायल रूम ऊपर ऊपर था, तो मैं ऊपर गया, सन्नाटा, कपड़े वपड़े पड़े हुए थे, दो लाइट्स चल रही थी और तो कुछ था नहीं। मैं गया ट्रायल रूम की तरफ, मैंने उसका दरवाज़ा ट्रायल रूम का खोला तो किसी ने दरवाजे को अंदर से पकड़ के जोर से दम गुस्से में बंद किया। मैं समझा कोई अंदर होगा, पेंट पेंट चेंज करा होगा, लॉक नहीं किया होगा, गुस्से में दरवाजा। मैं रुक गया थोड़ी देर, 5 मिनट गुजर गए, 10 मिनट गुजर गए, अंदर कोई नहीं, ना बंदा ना बंदा। मैंने नॉक किया तो अंदर से आवाज़ आई, मैंने कहा कोई है, मैंने कहा कोई है। मैं फिर खड़ा हो गया, मैं नीचे गया, मैंने कहा भाई ऊपर कोई है ट्रायल रूम में, 10 मिनट हो गए, वो नहाने के है या कपड़े चेंज करने के है। मैंने कहा सर ऊपर तो कोई नहीं है। मैंने कहा वो मजाक कर रहा है, बस सीरियसली ऊपर कोई नहीं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, छोड़ मैं जाता हूँ दोबारा। मैं गया तो ट्रायल रूम में, फिर कोई नहीं था। मैंने शर्ट वर्ट ट्राई की, पैंट ट्राई की, उसके बाद जब मैं दरवाज़ा बंद करने लगा तो मुझे अंदर एक बंदा खड़ा दिखाई दिया ट्रायल रूम में, लंबा काला स्याह, हाँ जो होता है। मैंने उसकी तरफ देखा और मैंने उसको बोला साले मैं अंदर पैंट भी चेंज की, शर्ट भी चेंज की, तू अंदर खड़ा रहा, तू निकल के बाहर आ जाता। एतराम होता है यार, कोई तमीज़ होती है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, दोनों नहीं थी उसमें। फिर क्या हुआ? खैर, अब उसको मैंने देख लिया, लेकिन उसने क्या किया, उसने दोबारा दरवाजा इतना जोर से बंद किया कि नीचे वाला बंदा ऊपर भागता हुआ आया, ये गिर गया क्या? मैंने कहा यार यहाँ पर कुछ है। लगा सर आपने जब बोला ना ऊपर कोई है तो हमें उसी वक्त पता चल गया था, हम ऊपर फ्लोर आपने देखा है बंद पड़ा हुआ है, हम जाते ही नहीं है और हम सिर्फ लोगों को भेजते हैं कि ट्राई करना है तो चले जाओ। ओके, वहाँ पर कुछ है और ऊपर का पोर्शन चलता ही नहीं है, जितने भी सामान पड़ा हुआ है वो एज इट इज पड़ा हुआ है, उधर किसी का आना जाना वहाँ पर नहीं होता। मैंने कहा यार कमाल है तुम लोगों ने मुझे ऊपर फिर भेज दिया पता होते हुए भी। बोला नहीं सर लोग शिकायत नहीं करते, हमने अपनी आंखों से देखा है, फील किया है, और आप पहले जिन्होंने ये शिकायत की है तो हमें इस चीज़ का हुआ। मैंने दिल में सोचा मैं तुम लोगों को किस किस चीज़ की शिकायत करूँ यार। खैर सब कुछ बता था उनको, लेकिन उन्होंने बोला क्या पहले हो। अच्छा, हाँ पहले हो। तो खैर मैंने उनसे कपड़े वपड़े लिए, 10 पहले भी शिकायत कर चुके, लेकिन आप पहले हो। मैंने कपड़े वपड़े लिए और मैं आके गाड़ी में बैठा घर की तरफ जाने लगा। वही बंदा मेरी गाड़ी में मेरे बराबर वाली सीट पे बैठा हुआ था। ओके, लंबा काला स्याह, क्या कहने लगा कि मैं इस जगह को ओन करता हूँ, मतलब ये मेरी जगह है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, मैंने कहा मुझे बता दे मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो तूने नंगा भी देख लिया अब मैं देखी तो तेरे सामने नजरें ऐसी मैं क्या कर सकता हूँ। कह लगा तू इनको बोल के ये दुकान छोड़ दे। मैंने कहा पागल हो गए हो तुम, अगर मैं इनसे कहता हूँ तो बोलेंगे कि कौन है भाई। मैंने कहा अव्वल तो उनको पता है सबको कि तू, बोला मैं उनके साथ वो काम कर चुका हूँ। अच्छा, लेकिन ये जगह नहीं छोड़। मैंने कहा कि होगा कोई टाप का तुमसे बड़ा तो नहीं छोड़ना चाह रहा होगा। खैर कहने लगा नहीं तुम बोलो। उस बंदे ने मेरी गाड़ी वापस घुमाई है कि तुम्हें चलना है, घुमवाई है ओके, कि तुम्हें जाके बोलना है। मैं गया उधर जो काउंटर पर खड़ा था, मैंने कहा भाई इसका ओनर कौन है? मैंने कहा सर क्यों, क्या हुआ, हमसे कोई गलती होगी, वो जो अपने डर में होते जो। मैंने कहा भाई अब मैं उसको क्या बताऊँ। मैंने कहा भाई ऊपर कुछ है। कहने लगा सर वो तो हमें पता है, आप बता के गए हमें पता है आपने। मैंने कहा नहीं, वो कह रहा है कि दुकान जो है ना वो आपको खाली करना पड़ेगा। अब वो मेरी शक्ल
कि शेर ऐसे देख रहे हैं। अब जब मैंने ये बात की तो दो बंदे और खड़े थे, वो भी आके काउंटर पे हाथ रख के ऐसे खड़े हो गए। एक मोहतरमा खड़ी थी वो शुरू हो गई, मैं तो कह रही थी कि दुकान खाली करे खाली करे। मैंने कहा बाजी एक मिनट मुझे बात करने दो केशियर को। मैंने बोला यार तुम ऑनर को कॉल करो ना, जिसकी ये फ्रेंचाइज जिसने ली है। उसने बोला सर मेरी नौकरी तेल हो जाएगी, ठीक है, पहले ही वो लॉस में जा रहे और मैं उसे नहीं कह सकता। मैंने कहा मेरी मेरी बात करो। कि लगा आप कौन है, आप कोई आमिल है? मैंने कहा आमिल ही समझ, फ़ोन पे बात करो। उसने फ़ोन पे बात की, उसने बोला कि मुझे पता है इन सारी बातों का, उसके ऑनर जो जो फ्रेंचाइज का ऑनर, ये चीज मेरे घर में मेरी वालदा को बीमार करके मार चुकी है। और जब मेरी वालदा का इंतकाल हो गया तब मैंने जिद कर ली कि अब मैं दुकान खाली नहीं करूंगा, क्योंकि उसके आगे पीछे कोई है नहीं, कंवारा शादी वादी उसकी हुई नहीं, तो अब कुछ भी हो जाए मैं वो दुकान खाली नहीं करूंगा। बहरहाल ये पुरानी बात बता रहा हूँ तुम्हें। खैर मैंने कहा भाई मेरा काम था आपको एक मैसेज डिलीवर करना, जो मैंने आपको कर दिया, आपकी मर्जी है। वो बंदा मेरे बराबर में खड़ा था, सुन रहा था सर। मुझे कहने लगा अब तुम देख मैं करता क्या। खैर मैंने हफ्ते के बाद गया, उस दुकान में आग लगी हुई थी, आग लग चुकी थी, दुकान में ऊपर का पोर्शन जल चुका था, सामान वामान, मजबूरी में वो दुकान बंद हो गई। और उस दुकान में अब तक कोई और चीज़ नहीं आई, कोई और सामान नहीं आया। वो दुकान हैदराबाद में, कराची में? कराची में। और आपको ये स्टोरी किसने बताई? मैं वहाँ का खुद मौजूद था जो हुआ ऐसा। नहीं वो तो आप थे, मतलब ये भाई मेरे घर के करीब जो पीछे बैक साइड पे मार्केट है। हाँ आपने डिस्कवर किया ये? क्या मतलब कैसे डिस्कवर, क्या डिस्कवर किया? मतलब आप जब वहाँ पहुँचे थे जो मार्केट में, ये आपको किसी ने बताया था या आप खुद ही पहुँच गए? मैं खुद ही गया था। पक्का? हाँ। या मतलब आपको वो वाला होता है ना पाँच मुंह वाला जो पहुंच, वो पाँच मुंह वाला तो मैं आधी रात को निकलता हूँ, वो तो मैं दुनिया को कहता हूँ कि मैं सो रहा हूँ, तो गाड़ी निकालता हूँ और चला जाता। वेल वैसे दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये पाँच मुंह वाला होता है। अभी रिसेंटली सुना था मैंने क्या किया है, तुम यकीन नहीं करोगे। वो स्टोरी नंबर पाँच पे चलते हैं, वो यहाँ पे कट। हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे इजाज़त और एक छोटी सी स्टोरी आपको एक और सुनाते हैं। हालांकि हमारा प्लान था कि इसको लास्ट लास्ट करते हैं, लेकिन एक आपको छोटी सी स्टोरी कल के लिए। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।